नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। सिरसा में पूर्व विधायक बालकोर सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने पर कहा कि मैंने तन मन धन से भाजपा की 5 साल सेवा की, लेकिन मुझे कोई मान सम्मान या सरकारी पद नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में आज एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपी पर आज अहम सुनवाई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रेल हादसा हुआ है, जिसमें सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े। राजधानी रांची में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा बैठक में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अगली सूची जल्द ही घोषित करेंगे। 2024 पेरिस पैरालंपिक पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रवीण कुमार ने कहा कि मेरे पास अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक रिक्शा चालक ने रिक्शा में स्कूल जा रही 15 साल की लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की के विरोध करने पर चालक मौके से फरार हो गया। नौकरी के लिए जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीएम योगी आज नोएडा, ग्रेनो और गाजियाबाद के शिक्षकों का सम्मान करेंगे। आज हरियाणा के हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों की महापंचायत होगी। बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। यह यान सुनीता विलियम्स और बोझ विलमोर को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन पर गया था। कुश्ती के चैंपियन विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री हो गई है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी ने हरियाणा के जलाना सीट से टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित महाराष्ट्र के सभी बीजेपी नेता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम फेस के लिए उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने लालबाग के राजा के लिए 20 किलो के सोने का मुकुट अर्पित किया है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि किसान खुदकुशी करेंगे तो उनके परिजनों को राहत राशि नहीं मिलेगी। फैसले का विरोध हुआ तो सरकार ने फैसला वापस ले लिया। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की गोट की कमाई में दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने इस फिल्म में बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई हुई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।